वो कहते हैं ना कि दिए तले अंधेरा रहता है, ऐसी ही वानगी आज नरसिंहपुर में देखने को मिली। एक ऐसी सड़क जहां से बड़े बड़े अधिकारी और जिले के मुखिया कलेक्टर भी इसी रोड से निकलना करते हैं। जनपद पंचायत ऑफिस के ठीक सामने नगर पालिका ने अपना एक शौचालय बना रखा है। क्या हालत है उस शौचालय की और क्या स्थिति है स्वच्छता अभियान की, देखिए संजय राय की पूरी रिपोर्ट। जनपद कार्यालय के सामने ये नगर पालिका का टॉयलेट बना हुआ है, इसमें बहुत गंदगी है, इसमें सफाई होना चाहिए। आजू बाजू दुकानदार और आम आदमियों को गंदगी की बहुत बड़ी बात। ये जो जनपद के सामने ये जो सार्वजनिक पेशाब घर है, इसमें कभी सफाई नहीं होती है, यहाँ पे गंदगी बज बजाती रहती है और मतलब नियमित सफाई नहीं होती है। लोग बाग आते हैं, बाथरूम कर जाते हैं, पर यानी मतलब सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो लोग बाग हमें यहाँ पे दुकानदार आसपास के बहुत परेशान हैं, बदबू आती है, मतलब बैठना मुश्किल हो रहा है हम लोगों का यहाँ पर। तो बहुत समस्या है, प्रशासन इस ओर ध्यान दे, नगर पालिका को सफाई करवानी चाहिए, करते नहीं हैं और ना कोई कर्मचारी आते हैं सफाई वाले। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश चौधरी है। यहाँ बहुत घटिया बाथरूम टॉयलेट है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पेशाब करने की, और ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सफाई है और ना कर्मचारी देख रेख करते हैं।